बच्चों में नशोनुमाई आवाज, नशोनुमाई जबानी आर्जा। नशोनुमाई जबानी आर्जा क्या है या DLD? नशोनुमाई जबानी आर्जा DLD ऐसी हालत है जिसमें बच्चों के अंदर उनके साथियों के मुकाबले में आम जबान की नशोनुमा नहीं हो पाती है। DLD में मुब्तला बच्चों को वाहिद अल्फाज के इस्तेमाल में देरी होती है, उन्हें सवालात और पेचीदा जुमलों को समझने में दुश्वारी होती है, वो खुद के इजहार के लिए गैर मरकब जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। स्कूल की उम्र के दौरान इन्हें पेचीदा हिदायतों को समझने और वाकियात को बिताने में दुश्वारी पेश आती है। इसके अलावा इन्हें बातचीत करने में और प्रेजेंटेशन में शिरकत करते वक्त दुश्वारियां आती हैं। नशोनुमाई जबानी आर्जा का सबब क्या है? नशोनुमाई जबानी आर्जा का सबब बीमारी, जहनी माजूरी, समात की खराबी, जज्बाती खराबी या आसाबी नुकसान नहीं होता है। इसकी वजूहात में जेनेटिक और माहौलियाती अवामील शामिल है। तहकीक से पता चला है कि अवामील का बच्चों पर मुख्तलिफ दर्जे का असर पड़ता है। हयातियाती अवामील, उनमें जेनेटिक अवामील, दिमाग की नशोनुमा और जबान के अमल का निजाम शामिल है। उन बच्चों के अहल खाना के मामलात को यकजा करके किए गए मुख्तलिफ मतलात में बुनियादी जेनेटिक अवामील का इंकिशाफ शामिल है। इसके अलावा जबान के फंक्शन के लिए जिम्मेदार दिमागी निजाम की एक आम नशोनुमा उन बच्चों में जबान की नशोनुमा को नुकसान पहुँचा सकती है। बच्चों में DLD की वजाहत करने के लिए जबान के अमल के तरीकेकार में मुख्तलिफ कमियों को भी सामने लाया गया है। इन्हें जबान के कवायद और उसूल सीखने में दुश्वारी हो सकती है। कुछ में मुद्दती याददाश्त और जबानी मालूमात को याद रखने में कमजोरी हो सकती है। माहौलियाती अवामील भी बच्चों में जबान की नशोनुमा पर असर डालते हैं। अगरचे ज्यादातर तहकीकों के जरिए जबान की नाकाफी मालूमात या दो जबान में महारत को DLD बरा रास्त सबब नहीं माना गया है, लेकिन ये माना जाता है कि जबानी मालूमात में इजाफा करके उन बच्चों में जबानी सलाहियत को बेहतर बनाया जा सकता है। नशोनुमाई जबानी आर्जा बच्चों को कैसे मुतासिर करता है? DLD में मुब्तला बच्चों में जबानी फहम और इजहार में खराबियाँ थी। इन्हें रोजमर्रा की गुफ्तगू की शुरुआत करने और इसको कायम रखने में दुश्वारी होती है, जिसके नतीजे में उनकी समाजी तरक्की मुतासिर होती है। चूंकि जबान की नशोनुमा पढ़ने और लिखने की महारत की तरक्की की एक शर्त है, इसीलिए DLD में मुब्तला बच्चों को जबान के जरिए सीखने और इल्म के हुसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लिहाजा उनको तालीम हासिल करने में भी मुश्किलात होती है। DLD में मुब्तला बच्चों में नशोनुमाई पढ़ने की अहलियात में कमी का ज्यादा इम्कान होगा। उनमें दूसरी खराबी भी हो सकती है, जैसे तवज्जो में कमी, बेश वालिद का आर्जा और नशोनुमा में हम आहंगी का आर्जा। नशोनुमा जबानी आर्जा में मुब्तला बच्चों की मदद कैसे की जाए? DLD में मुब्तला बच्चों के लिए जल्द शनाख्त और इलाज बहुत अहम है। बातचीत इलाज उन बच्चों में जबान की मजमूई नशोनुमा में आसानी पैदा कर सकता है, उनकी समाजी राबते की महारत को बढ़ा सकता है और इन्हें तालीमी मवाद तक रसाई का मौका फराहम कर सकता है। अच्छे नतीजे के लिए इलाज के दौरान वालिदैन की शामुलियात बहुत अहम है। वालिदैन अपने बच्चों को घर में ट्रेनिंग देने की महारतें सीख सकते हैं, इन्हें जबान की नई महारत को रोजमर्रा की जिंदगी में अलग करने में मदद कर सकते हैं, जिससे उनकी जबान की तरक्की में इजाफा होगा। स्कूल और टीचर्स का तावून भी DLD में मुब्तला बच्चों की मदद कर सकता है। क्या नशोनुमाई जबानी आर्जा में मुब्तला बच्चों में उम्र के साथ सुधार होगा? DLD में मुब्तला ज्यादातर बच्चों में ट्रेनिंग के बाद वक्त के साथ साथ जबान की सलाहियत में सुधार देखा जाता है। ताहम कुछ बच्चों में उनके बड़े होने पर भी जबान और राबता रखने की कमजोरियाँ बाकी रह सकती हैं। वो बच्चे जिनकी जबान बड़े हद तक उनके हमजोलियों से कमतर है, उनकी तालीम की सुस्त रफ्तारी का जोखिम बढ़ जाता है और वो अपनी तालीम पूरी तरह हासिल नहीं कर पाते हैं। वालिदैन और टीचर्स को चौकस रहना होगा और इन्हें मुनासिब मदद और तावून फराहम करना होगा। जल्द शनाख्त और इलाज DLD में मुब्तला बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अहम है।